हाय, मैं हूं हमाद अली। हमारे कोर्स जावा फॉर बिगिनर्स का आपका टॉपिक है मल्टीडाइमेंशनल अरे। अरे जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है, एक सेट होता है जिसमें हमारे पास सिमिलर डेटा टाइप की एक से ज़्यादा वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं और उन वेरिएबल्स को हम डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर हमारे पास बेसिकली अरे की डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो टू डायमेंशनल अरे होती है उसका हर एलिमेंट एक अरे होता है और जो थ्री डायमेंशनल अरे होती है उसका हर एलिमेंट एक टू डायमेंशनल अरे होती है। और इसी तरह हम डिफरेंट डायमेंशंस को जैसे जैसे अपनी डायमेंशंस इंक्रीज करते जाएंगे तो हम अपनी ये डेफिनेशन भी है उसको अपडेट करते जाएंगे। ठीक है जी, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बेसिकली ये अरे विद इन ए अरे होती है, यानी कि इसके अंदर एक बड़ी अरे होती है और उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी अरेज होती है। एक बड़ी अरे के अंदर छोटी छोटी कई अरेज होती हैं और उनके कम्बिनेशन को हम मल्टी डायमेंशनल अरे करते हैं। यहाँ पे हमने टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर और उसकी इंस्टेंसिएशन दिखाई गई है और थ्री डायमेंशनल अरे की डिक्लेरेशन और इंस्टेंसिएशन यहाँ पे डिफाइन की गई है। अगर हम टू डायमेंशनल अरे को देखें तो यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट हमने जो अरे का साइज़ है वो 3 रखा है और नेक्स्ट जो अरे है उसका साइज़ हमने 5 रखा है। तो इस 3 और 5 का मतलब ये है कि एक बड़ी अरे है जिसके अंदर 3 छोटी अरेज हैं और हर छोटी अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 5 वेरिएबल हैं, 5 वैल्यूज़ हम स्टोर करवा सकते हैं। तो इस तरह अगर हम इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स देखना चाहें बड़ी अरे में कितने होंगे तो हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 15, यानी कि हर अरे के अंदर 5 एलिमेंट। तो 3 टोटल हमारे पास अरेज है तो 3 अरेज के अंदर जो 5 एलिमेंट है वो तकरीबन 15 बनते हैं और वो जो 15 है वो बेसिकली हमारी बड़ी जो है टू डायमेंशनल अरे है उसके अंदर इतने एलिमेंट होंगे। इसी तरह जब हम थ्री डायमेंशनल अरे की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमने जो साइज़ डिफाइन किए हैं, पहली अरे का हमने साइज़ 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है। ये साइज़ कुछ भी हो सकते हैं, ये इनको हम ये नहीं है कि ये फिक्स्ड है कि ये पहली अरे का साइज़ छोटा होगा और दूसरी का बड़ा होगा। पहली बड़ी भी हो सकती है, दूसरी का साइज़ कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी अरे है उसके अंदर 2 टू डायमेंशनल अरे हैं। हर टू डायमेंशनल अरे के अंदर फर्दर हम देख रहे हैं कि 3 अरेज है जो कि सिंगल डायमेंशन है और हर सिंगल डायमेंशनल अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमने थ्री डायमेंशनल अरे जो हमने यहाँ बनाई है इसका टोटल साइज़ देखना चाहें तो हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल साइज़ ऑफ थ्री डायमेंशनल अरे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक टू डायमेंशनल अरे बनाई है और टू डायमेंशनल अरे के अंदर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन की हैं। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स नंबर बन रहा है वो है अरे 0 और सेकंड भी 0। तो ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारी जो टू डायमेंशनल अरे की जो पहली सिंगल डायमेंशनल अरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह 0-1 का मतलब ये है कि फर्स्ट वन डायमेंशनल अरे का सेकंड एलिमेंट 9 है और इसी तरह 0-2 का मतलब है कि फर्स्ट वन डायमेंशनल अरे का अरे के थर्ड एलिमेंट जो है वो हमारे पास 4 है। जैसे हम लिखते हैं 1-0 तो इसका मतलब है कि सेकंड सिंगल डायमेंशनल अरे का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है 3 और इसी तरह सो ऑन। अब अगर इन वैल्यूज़ को हम रो और कॉलम में हम विजुलाइज़ करें तो हम जो वैल्यूज़ हमने असाइन किए हैं हम उनको इस तरीके से विजुलाइज़ कर सकते हैं
जो हमारे पास जो अरेज़ हैं 5, 9, 4, ये हमारे पास एक अरे है, 3, 7, 2 हमारे पास एक अरे है, और 8, 4, 1 हमारे पास थर्ड अरे है जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। यहाँ भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक अरे ली है जिसका साइज हमने 3 रखा है, 3 और 3 रखा है, 3x3 रखा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 अरेज होंगी सिंगल डायमेंशन, और हर सिंगल डायमेंशन अरे के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे हर अरे छोटी अरे के अंदर, और जो हमारे पास बड़ी अरे है उसके अंदर 3 अरेज होंगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन की है ARR 0 0, इट्स मीन कि हमने फर्स्ट अरे के फर्स्ट एलिमेंट को, यानी कि जो हमारे पास 2 डायमेंशन अरे है उसके अंदर जो हमारे पास सिंगल फर्स्ट सिंगल डायमेंशन अरे है उसके 0th एलिमेंट को हमने 5 असाइन किया है। इसी तरह 0 1 का मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट सिंगल डायमेंशन अरे के सेकेंड एलिमेंट को हमने 9 असाइन किया है। इसी तरह 0 2 का मतलब ये है कि फर्स्ट सिंगल डायमेंशन अरे के थर्ड एलिमेंट को हमने 4 असाइन किया है। जब 1 0 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 2 डायमेंशनल अरे है उसके अंदर हमारे पास सेकेंड जो 1 डायमेंशनल अरे है उसके फर्स्ट एलिमेंट को हमने 3 असाइन किया है। 1 1 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट सॉरी सेकेंड हमारे जो हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे है उसके अंदर सेकेंड 1 डायमेंशनल अरे के सेकेंड एलिमेंट को 7 असाइन किया है, और इसी तरह हम सारी वैल्यू असाइन कर लेते हैं। अगर हम इसको ब्रेक करके देखना चाहें कि ये किस तरीके से है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो इनर अरे होती है उसको हम रोज़ की फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। तो अगर मैं आपको इसको दिखाऊं कि इसको विजुलाइज़ कैसे किया जा सकता है, हमारे पास जो वैल्यू है 5, 4, 9, 4, 3, 7, 2, 8, 4, 1, तो हम इसको कुछ इस तरीके से विजुलाइज़ कर सकते हैं कि 5, 9, 4 हमारे पास एक अरे है, उसके पास 3, 7, 2 भी हमारे पास एक अरे है, 8, 4, 1 भी हमारे पास एक अरे है, और इन सारी अरे छोटी छोटी अरेज को मिला के हमने एक बड़ी अरे के अंदर डाल दिया है, तो उसको हमने बेसिकली 2 डायमेंशनल अरे कह दिया है जिसका साइज़ 3x3 है। तो अगर आप देखें तो इसमें 3 छोटी अरेज हैं और हर अरे के जो एलिमेंट हैं वो भी कितने हैं, 3 हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 3x3 ही हो, 4x3 भी हो सकता है, वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। आइए अब इसको ज़रा हम थोड़ा सा एडिटर के ऊपर भी प्रैक्टिस करके देखते हैं, और देखते हैं कि फॉर लूप हमने देखा था कि सिंगल डायमेंशनल अरे के साथ बहुत अच्छा चलता है, तो इसके साथ हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ ले लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल में देखी हैं, और उन्हीं को हम अरेंज करके देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से नज़र आएंगी। हम इनिशियली इसको 0 और 0 को हमने यहाँ पे जो असाइन किया था वो 5 असाइन किया था, और इसी तरह हम बाकी भी देख लेते हैं। बाकी वैल्यूज़ हमने क्या लिए, 5, 9, 4, 3, 7, 2, 5, 9, 4 और 3, 7, 2। यहाँ पे हम डेफिनेटली अपना इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे, और वैल्यूज को हमने यहाँ पे ये साइन कर दिया, और उसके बाद हम 3, 7 आई थिंक सो हमारे पास 2 था, और उसके बाद 8, 4, 1 है हमारे पास, 8, 4, 1, और यहाँ पे भी हम इसको 0, 1 और 2 कह रहे हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल वही चीज़ बन गई है जो कि हमने स्लाइड्स के ऊपर डिफाइन की हुई है, और अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 डायमेंशन हैं, तो हम हर डायमेंशन के लिए एक लूप लगा देंगे। लेट्स से हम लिखते हैं int i इज़ इक्वल टू
जीरो और आई लेस देन है किससे, अरे डॉट लेंथ से। तो ये लूप जो है हमारा एक्सटर्नल जो हमारी एरे होगी या हमारी जो बड़ी एरे है उसके लिए लगेगा, क्योंकि हमारी जो बाहर वाली बड़ी वाली एरे है उसका साइज 3 है, तो ये 3 टाइम चलेगा। और हमारी जो इंटरनल एरे है उसका भी साइज 3 ही है, लिहाजा हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हमें जो साइजेस हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, j इज़ इक्वल टू ज़ीरो और j लेस देन। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली अरे की जो इनर अरे है जो हमारी सिंगल डिमेंशन अरे है हम उसका साइज़ लिखेंगे। अब उसका साइज़ हमें कैसे मिलेगा, हमें पता है कि हर अरे का जो एलिमेंट है वो भी एक अरे है, तो दैट्स हाउ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा आई, तो जैसे ही मैं इसका लिखूँगा अरे आई, तो इसका मतलब है कि मैं टू डिमेंशनल अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एक्सेस कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि वो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है, एक अरे है, और वो अरे है दैट्स वाई उसके साथ मेरे पास ये लेंथ का वेरिएबल भी अवेलेबल है। तो ये जावा का कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि इसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि वो जो हम थ्रेटिकली पढ़े हैं वो प्रैक्टिकली भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरे के वैल्यू, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा आई और उसके बाद मैं लिखूँगा जे, और जब मैं इसको प्रिंट करवा के देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने जितने वेरिएबल्स लिए थे वो एज़ इट इज़ प्रिंट भी हो गए, 5943728411। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं इसको प्रिंट एलन नहीं करता और मैं इसको इसी तरीके से प्रिंट करवाता हूँ तो आपके पास ये जो सारी वैल्यू है वो सिंगल लाइन में आ जाती है। लेट से मैं इसके साथ थोड़ी सी स्पेसेस भी प्रिंट करवा देता हूँ या कॉमा प्रिंट करवा देता हूँ, तो आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे मुझे कंकैटिनेशन अप्लाई करनी थी, मैं कंकैटिनेशन अप्लाई करने के बाद जब इसको प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखते हैं कि ये मेरे पास कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ से हम बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली एरे विद इन एरे है, तो यहाँ पे जैसे ही मेरा ये लूप कंप्लीट होता है तो इट्स मीन कि जो मेरी जो सिंगल डायमेंशनल एरे है उसके एलिमेंट भी कंप्लीट हो जाते हैं, और जब ये लूप में वापस ऊपर जाता है इट्स मीन कि अब ये सेकंड सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए जा रहा है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मैं जब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये नई लाइन में चला जाएगा। तो जब मैं इसको चलाता हूँ तो आपके सामने जो आउटपुट आती है वो कुछ इस तरह से आती है। तो जो मेरा कोड है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो जो ऊपर वाला फॉर लूप है वो एक्सटर्नल जो मेरी अरे है उसके ऊपर चल रहा है, यानी कि जो अरे के जो सेकंड डायमेंशनल अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर चल रहा है, और जो इंटरनल लूप है ये मेरा जो सिंगल डायमेंशनल अरे है जो टू डायमेंशनल अरे के अंदर उसका एक एलिमेंट है उनके ऊपर चल रहा है। तो जैसे ही ये लूप चलता है तो ये पहली अरे को पिक करता है, और जैसे ही दूसरा लूप चलता है वो दूसरी जो मेरी सिंगल डायमेंशनल एरे है उसके फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ लेता है और यहाँ पे प्रिंट करवा देता है। सो ऑन, जब वो सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाते हैं तो फिर वो ये लूप यहाँ से एग्जिट कर जाता है। एग्जिट करने के बाद एक लाइन न्यू लाइन प्रिंट करवाता है। न्यू लाइन प्रिंट करवाने का मतलब ये है कि वो एक स्टेप बेसिकली नीचे वाली लाइन में आ जाता है। नीचे वाली लाइन में आने के बाद जब दोबारा ऊपर जाता है तो जो आई का लूप है बेसिकली जो मेरे पास ऊपर वाला लूप है वो बेसिकली अब सेकेंड सिंगल डायमेंशनल अरे को पिक कर लेता है, फिर उसके सारे एलिमेंट को प्रिंट करवाता है, और इसी तरीके से सो ऑन वो सारे एलिमेंट प्रिंट करवा लेता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हमने काफ़ी ज़्यादा
अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि टू डायमेंशनल एरे जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, और टू डायमेंशनल एरे के अंदर हम अपना डाटा किस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया। Thank you.